Uh, मैं आपको मेरा ट्रेड बुक दिखा देता हूँ फॉर दिस ट्रेड ये फाइनल ट्रेड इसमें लॉस हुआ है ऑफ अबाउट वन परसेंट ओके सो मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा वॉट द ट्रेड वॉज फिलहाल मैं आपको ये वेरी क्विकली ट्रेड बुक दिखा देता हूँ ओके लेट्स इसमें से जो भी अननेसेसरी एंट्रीज हैं फॉर एक्जाम्पल स्टॉक रिलेटेड सिर्फ वो उड़ा देता हूँ मैं विच इज़ दीस टू राइट हीयर ओके भारतीय एयरटेल और टी का कुछ तो किया है ओके okay? और अगर मैं इसका सम कर देता हूँ ओवरऑल सो दिस कम्स टू अराउंड सिक्सटी थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी का लॉस है एक्चुअली एंड दिस रिप्रेजेंट्स अबाउट लिटल ओवर वन परसेंट आएगा राइट बिकॉज सिक्सटी लैक्स का uh, क्या बोलते हैं मार्जिन यूज़ होता है इस ट्रेड में सो uh, या so yeah, ये वीक में एक्चुअली मैं कभी रॉन्ग गया आई एल एक्सप्लेन यू इन द वीडियो ऑल्सो जो नेकेट सेलिंग किया था और यूज अप आया था वो टोटली totally अगेंस्ट मेरे गया था तो इसके लिए मुझे वो निकल जाना पड़ा ओके okay? नहीं निकलता और कुछ भी नहीं करता ट्रेड को वैसे ही छोड़ देता तो दिस लॉस वुड हैव बीन मच हायर समवेयर अराउंड कितना होता टू टू लैक्स या टू पॉइंट टू लैक्स का हो जाता सो दैट वाज राइट डिसीजन टू एग्जिट ठीक है अब मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ एंटायर ट्रेड को ओके कोल सो टुडे इज़ फ्राइडे सितंबर थर्टी आज सेम लाइक ऑलवेज कपिल धामा का आयन फ्लाई इनिशिएट किया है तो आई विल जस्ट शो यू इन द ट्रेडिंग व्यू एंड देन अगेन ऑलवेज ये ट्रेड क्रिएटेड और सारे जो एडजस्टमेंट है वो कपिल धामा जी के ही है मैं सिर्फ उनको यहाँ पे आपके लर्निंग पर्पस और मेरी लर्निंग पर्पस के लिए शेयर करता हूँ मैं सिर्फ कभी कभी आ, आ, अपना अपने स्टाइल से एडजस्टमेंट करता हूँ बट यूजुअली वो होता है तीन चार दिन के बाद फर्स्ट फोर uh, uh, या फाइव एडजस्टमेंट्स तो मैं एग्जैक्टली exactly कॉपी करता हूँ ओके सो आज आर uh, की पॉलिसी थी अल जस्ट शो यू यहाँ पे uh, आज आर की पॉलिसी थी ओके okay? सो so, मार्केट अप ही ओपन हुआ था एंड अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इंटायर डे एक्चुअली वो अप ट्रेंडिंग मूव में ही था ओके सो ट्रेड इनिशिएट किया था अराउंड वन फोर्टी फाइव को आफ्टरनून में था और uh, तभी एज यू कैन सी बैंक निफ्टी वो समवेयर अराउंड थर्टी एट सेवन हंड्रेड के आसपास था ओके okay. सो so, ये वाला एंड फ्लाई इनिशिएट किया था एंड जाते जाते विच वोज अराउंड थ्री फिफ्टीन के आसपास दोनों जो लेग्स है राइट पुट साइड के और कॉल साइड के बोथ हेजेस इन साइड लेके आए थे ओके सो दिस इज़ दी ओनली एडजस्टमेंट और ये इनिशिएट uh, किया था तब एंड दिस इज हाउ द ट्रेड लुक्स लाइक ओके करंटली ऐसे है ये वाले दोनों जो हैजेज़ क्लोज किए और दो जो इन लेके आए राइट नाउ इट इज़ शोइंग वन वन का प्रॉफिट uh, और लेट्स uh, कि मंडे को फिर क्या एडजस्टमेंट होते हैं मार्केट क्लोज हुआ है थर्टी एट सिक्स थर्टी वन ओके ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं सो so, उस लेवल पे क्लोज हुआ है और ये वाला ट्रेड मेरे पर्सनल अकाउंट में मैंने आई सी आई सी आई में लिया है आई एम नॉट टेकन इट इन अदर अकाउंट सो मैं लाइक uh, ऑलवेज like उसको मैं वीडियो के फर्स्ट में शेयर करूँगा आफ्टर दिस एंटायर ट्रेड इज़ कम्प्लीटेड ठीक है पर थर्ड आज दो ही एडजस्टमेंट और बहुत सिंपल वाले एक्चुअली मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ ये दोनों स्क्रीन आर नॉट रिक्वायर्ड ठीक है सी आज मार्केट एक्चुअली गैप डाउन ओपन हुआ था थोड़ा रिकवर हुआ एंड देन समवेयर अराउंड हियर हमने क्या किया 39,500 का जो कॉल था <coughs> उसको हम लोग अंदर करके शिफ्ट शिफ्ट करके अंदर लेके आए ओके 300 हंड्रेड पॉइंट अंदर लेके आए यानी Uh, यहाँ से हम लोग जो भी था हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ लेके आए ये फर्स्ट एडजस्टमेंट था और सेकेंड एडजस्टमेंट टूवर्ड्स दी एंड था यानी थ्री ओ फाइव को सो so, आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट एक्चुअली पूरा डाउन ट्रेंड में ही है राइट एंटायर डे uh, कहीं ये कैंडल के बाद कहीं रिकवरी आई ही नहीं है सो इट वॉज़ इन अ वीक ही था थोड़ा तो so, यहाँ पे क्या किया हुआ है पुट uh, को बचाना पड़ेगा राइट आई मीन बिकॉज ये साइड थोड़ा ट्रबल में आ गया है राइट बिकॉज इफ इट कीप्स गोइंग डाउन तो uh, उधर ज़्यादा लॉस दिखा देगा तो यहाँ पे क्या किया 37,500 को शिफ्ट करके 37,800 पे लेके आए यानी इधर भी 300 पॉइंट्स नीचे लेके आए और जब ये नीचे लाएंगे तो यहाँ पे लॉस बढ़ जाता है राइट right? दोनों तरफ का लॉस बढ़ जाता है हल्का सा बट बिकॉज वी नो के मार्केट वीक है तो हमने क्या किया है टू एक्स क्वान्टिटी को सेल किया है थर्टी नाइन थ्री हंड्रेड वाला कौन सी स्ट्राइक है थर्टी नाइन थ्री हंड्रेड वाली जो स्ट्राइक है इसमें टू एक्स यानी डबल क्वान्टिटी सेल किया है प्राइजेज जब भी जैसी वैसे जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया था मैंने एज इट इज़ लिखी है लाइक आई बिन कीप मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो भी प्राइजेज मैं लिखता हूँ ना इसमें ब्रोकरेज एंड चार्जेज आर इंक्लूडेड यानी मैं वो पहले से कैलकुलेट करके कर देता हूँ सो so, अभी आप ऑब्जर्व करो तो हमारी हेज कहाँ पे है कॉल साइड में थर्टी नाइन टू हंड्रेड में ओके okay? और हमने कॉल सेल किया है उसके हंड्रेड पॉइंट्स अवे एंड सी यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में आप टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड और फार्दर जा सकते हो बट बिकॉज आज मंडे हैं ट्यूजडे वेनसडे को छुट्टी है एंड देन थर्सडे सो सिर्फ दो ही दिन है एक्चुअली uh, इस वीक uh, बाकी के दिन में है ना सो so अगर बाई चांस ये ट्रेड कल अगर मार्केट ऊपर आता है ना तो ये ऑटोमेटिकली ये ट्रेड बहुत प्रॉफिट में आ जाएगा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओके एंड एट सम पॉइंट ये निकाल भी सकते हैं इवन तो इसमें लॉस भी हुआ तो भी निकाल सकते हैं अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो अगर मान लो गैप डाउन खुलता है ओके okay? तो मैक्सिमम लॉस तो अभी डिफाइंड है वन टू टू थ्री जो दिख रहा है आपको ये मैक्सिमम लॉस है इसको हटाना बहुत सिंपल है <coughs> मान लो कि बहुत बड़ा गैप गैप डाउन हुआ तो ये जो थर्टी नाइन थ्री हंड्रेड है इसमें प्रॉफिट होएगा राइट ये जो थर्टी नाइन थ्री हंड्रेड है इसमें प्रॉफिट होएगा ये समवेयर अराउंड फिफ्टीन या ट्वेंटी रुपीज़ पे ट्रेड होएगा इसको क्लोज कर देने का और और नज़दीक आ जाने का मे बी थर्टी नाइन थाउजेंड के कॉल को सेल कर देने का या मे बी थर्टी नाइन वन हंड्रेड के कॉल को सेल कर देने का उससे क्या होएगा ये साइड कम्पलीटली प्रोटेक्ट हो जाएगी ओके सो ऑल डिपेंड्स ऑन कल मार्केट कैसे ओपन होता है फ्लैट भी ओपन हुआ तो भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर ओपन हुआ तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है ओनली अगर आई मीन फ्लैट या वॉट एवर ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ जाता है या गैप डाउन होता है ओनली देन वी हैव टू शिफ्ट ये वाला कॉल जो सेल वाला है ना उसको ऑन और, और अंदर की तरफ ला सकते हैं ठीक है सो लेट्स टुमारो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है अकॉर्डिंगली वी कैन टेक दिस एडजस्टमेंट ओके हैं ऑक्टोबर फोर्थ सो so, ये ट्रेड मैंने एक्चुअली अभी क्लोज कर दिया है एट अ लॉस ऑफ अराउंड फ़िलहाल फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर लॉट है एंड बिकॉज uh, ये मार्जिन अभी, अभी अवेलेबल हैं मैं थोड़ा डिस्क्रेशनरी करके इसको थोड़ा रिड्यूस कर पाऊँगा बट एलिमिनेट नहीं होएगा पक्का है ना सो so, ये भी लॉस ही जाएगा आल एक्सप्लेन यू क्यों हुआ ये सो इफ़ यू रिमेंबर ऑन क्या ऑन बेसिकली येस्टडे Uh, क्या हुआ था मैंने ये वाला सेल करके गया था ये वाला राइट थर्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड मैंने सेल किया था और ये मेरी प्राइस थी थर्टी फाइव थर्टी और ये मेरी एग्जिट प्राइस देखिए आप वन सिक्सटी रुपीज़ यानी इसमें मैंने मेजॉरिटी लॉस किया आई एल एक्सप्लेन यू ट्रेडिंग व्यू में क्या हुआ था सी आज मार्केट है ना एक्चुअली एकदम ही गैप अप ओपन हुआ नो बड़ी एक्सपेक्टेड मार्केट क्लोज हुआ था अराउंड थर्टी एट थाउजेंड और आज मार्केट ओपन हुआ थर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड में और 38800 है ना मेजर रेजिस्टेंस था सो समवेयर यहाँ पे है ना आई थिंक मार्केट वाज अराउंड 39000 समथिंग था और मैंने ये वाला जो था वो लॉस में मैंने बुक कर लिया एंड देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो यार थोड़ा मार्केट अगर नीचे आएगा <coughs> तो भी ये पोजिशन में पॉसिबिलिटी uh, थी प्रॉफिट होने में बट इफ़ यू ऑब्जर्व एंटायर डे एक्चुअली मार्केट सिर्फ कंसॉलिडेट हुआ है यहाँ पे ओके okay, नीचे से भी एक हल्की सी डिप आई बट दिस इज़ नथिंग राइट कम्पेयर टू जो इसने यूज अप मूव दिया था गैप uh, अप के साथ और यहाँ पे कपिल uh, जी ने रिकमेंड किया था कि पूरा आय फ्लाई ही एग्जिट कर दो वाई सी बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व ये ऑलमोस्ट एट द हाई पॉइंट पर ट्रेड हो रहा है राइट right? जब क्लोजिंग आ रही है सो यू वेरी क्लियरली सेज बिकॉज देर इज प्रोबेबिलिटी के गैप अप थर्सडे को भी हो जाए राइट right? टुमारो तो हॉलीडे हैं दशहरा की वजह से सो so, अगर इसमें हम लोग ये बुक कर देते हैं राइट right? ये जो भी हैं अगर ये नहीं करते हैं आई जस्ट क्विकली शो यू अगर ये मैं नहीं करता हूँ तो फिलहाल जो फाइव थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट है राइट right? वो समवेयर अराउंड टेन थाउजेंड आई मीन सॉरी फाइव थाउजेंड रुपीज़ का जो लॉस है वो समवेयर अराउंड टेन थाउजेंड रुपीज़ पर लॉट हो जाता है एंड दैट इज़ मोर देन दैट विल बिकम टू अराउंड दैट विल कम टू थ्री परसेंट ऑफ लॉस ओके तो व्हेन यू नो कि ये आपका रॉन्ग गया है ना ट्रेड यानी देखो अगर कुछ नहीं करते और वो कहीं पर भी यहाँ पे थर्टी थर्टी नाइन टू हंड्रेड के ऊपर कहीं भी बंद होता है सो द लॉस कम्स टू अराउंड नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड राइट तो दैट इज़ ऑलमोस्ट थ्री परसेंट हो जाएगा राइट आई मीन यूजअली थ्री परसेंट एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है बट वैन यू नो ना कि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो यू आर बेटर ऑफ कि इसमें से निकल जाओ एंड थर्सडे को क्या करूँगा मैं थोड़ा सा जो पुट uh, साइड है ना नीकेच सेलिंग करूँगा थर्सडे हो एक्सपायरी है तो इसमें से थोड़ा रिकवर होएगा बट पूरा तो नहीं निकलेगा ये तो बहुत ही श्योर है सो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड Uh, 1.2 या 1.4 के बीच में लॉस होना ही चाहिए ये वीक में ओके सो लेट्स मैं आपको थर्सडे को फाइनल नंबर दिखाऊँगा जो भी होता है बेस्ड uh, ऑन जो भी मैंने डिस्क्रिशनरी ट्रेड लिया है या बट दिस वीक आई एम एटलीस्ट मैं नॉर्मली ना पहले ये कभी नहीं करता था मैं लॉस में से कभी निकलता ही नहीं था बट नाओ आई फील कि ठीक है लॉस हुआ है रेस्ट ऑफ द वीक्स आई कैन ट्राई टू कवर इट राइट बट अगर फोर फाइव सिक्स परसेंट लॉस होता है ना तो उसको रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता है सो एज सुन एज यू फील समवेयर अराउंड वन वन एंड हाफ टू परसेंट मैक्सिमम हुए ना तो निकल जाने का अनलेस एकदम ही गैप अप हुआ और आपका थ्री परसेंट लॉस हुआ तो अलग बात है बट इस इस सिचुएशन में uh, क्या था मौका था निकलने का uh, थोड़ा सा लॉस को मिनिमाइज करके तो वी डेट दैट ओके सो अगेन यल अपडेट यू ऑन थर्सडे फाइनल नंबर जो भी हैं ओके okay?